अब हम पढ़ेंगे उन टेंसेस के बारे, सेंटेंस के बारे में कि जो चेंज नहीं होते। इस लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं उन सेंटेंस के बारे में जो चेंज नहीं होते। द सेंटेंस विच कॉन्ट बी के नॉट बी चेंज इन टू पैसिव सेंटेंस। वो जुमले पैसे में तब्दील नहीं होते। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनको अंग्रेज़ी ग्रामर के मुताबिक हम पैसे वाई में तब्दील नहीं किया जा सकता। मसलन मतलब टेंस के जुमले पैसे वाई में तब्दील नहीं हो सकते, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के, कंटिन्यूस के, फ्यूचर के, ये वगैरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये तब्दील नहीं होते। और आगे भी पढ़ेंगे और कौन से सेंटेंस जो तब्दील नहीं होते आगे जाके पढ़ते हैं। वर्ब की हमेशा देखना दो फॉर्म होती हैं, क्यों देखते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना उसको किसकी अपना जो वो वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट के बगैर पूरा मफहूम नहीं दे सकता। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको अपना अपना ही मीनिंग देने के लिए, अपना मफहूम देने के लिए एक ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है। यानी इसमें हमें उस ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला इस्तेमाल नहीं, इसमें अगर ऑब्जेक्ट ना हो ना तो वो ट्रांजिटिव नहीं बना सकता, तो वो इनट्रांजिटिव हो जाते हैं। ही बाइज अ कार, आकार एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए एक हमें रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब इनके तो बनते ही नहीं है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यानी जिन सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना तो उनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं बनेंगे। एक आगे बात की जाती है कि कुछ सेंटेंस होते हैं जैसे आई गो टू स्कूल, माई डियर स्टूडेंट टू स्कूल, ये क्या है आपका, याद रखिएगा टू स्कूल आपका क्या है, ये फ्रेज़ है, हमेशा याद रखना टू स्कूल क्या आपका फ्रेज़ है और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इतना याद रखना। तो इसका नहीं बनता एक्टिव पैसिव टेंस। तो इसी तरह कुछ वर्ड होते हैं इनका नहीं बनता, आगे हम जाके देखते हैं। जिन जुमलों में इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, याद रखना। यानी कि ही लाफ्स हो गया, अब इसको बनाओ लाफ बाय ही, या क्या बनाओगे, कुछ भी नहीं बना सकते। ए लाफ्ड बाय हिम, कुछ भी नहीं बना सकते। ही हैज़ गॉन, हैज़ गॉन, ये हैज अलग से ऑक्सिलरी वर्ब है, गॉन भी वर्ब है। शी डाइड इन 2015, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, तो इसका नहीं बनता। कभी कभी ना क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो जो इजाफी अल्फाज होते हैं ना उनका इस्तेमाल वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए होते हैं, उसका हम नहीं बना सकते। जैसा कि अभी मैंने नीचे जिक्र किया है, हम देखते हैं नीचे जाके, जैसा कि ये देखें थोड़ा नीचे कर लेते हैं, हाँ अब आपको समझ आएगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में कुछ ऐसे इजाफी अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपको कन्फ्यूज करेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट समझ लेंगे। मसलन गो, जैसे कि देखते हैं ही स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इजाफी अल्फाज है कि वो ठहरा है, काम ठहरा है ऑन द फ्लोर, यानी कम्प्लीमेंट है। तो इनके हम क्या करते हैं, इनकी ये तो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या बनाओगे, ऑन द फ्लोर, ठीक है, इज बीइंग स्टैंडेड स्टूड, सॉरी स्टैंड स्टूड स्टूड बाय हिम, नहीं बनता, ऑन द फ्लोर नहीं बनता, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ही रीच लाहौर, लाहौर इज, लाहौर वाज रीच्ड बाय हिम, तो ये इसका बन सकते हैं, ये लाहौर का तो बन जाएगा, ये मिस्टेक हो चुकी है, इसका बन सकते हैं। उसके बाद शी वेंट टू लाइब्रेरी, टू लाइब्रेरी जाना, टू गो जाना, इसका नहीं बनेगा, यानी उन टेंस का नहीं बनेगा और जिनके अंदर क्या होगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी उनका नहीं बनेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने आपको बहुत ईजीली में समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। और थैंक यू सो मच, और जिनको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मैं अवेलेबल हूँ आपके पास, आप मुझे कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। बाकी मैंने पहले कहा था बहरहाल कि जिनको 12 टेंस आते होंगे वही एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बना सकते हैं, वही नरेशन भी बना सकते हैं, जिनको टेंस नहीं आते वो नहीं बना सकते। तो इसलिए पहले टेंस सीखें, और टेंस सीखने के लिए मैंने वैसे भी अपनी प्लेलिस्ट में टेंसेस दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ इसको शेयर आगे मज़ीद शेयर करें ताकि और दोस्तों की भी हेल्प हो, साथ मेरी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।